गए अभी बोलो फॉरेस्ट, और यहाँ पर अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। नेचर को स्वच्छ रखना ज़रूरी है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। हमने वहाँ से ऑटो नहीं ली बल्कि हम पैदल ही आए, उसकी वजह से भी हमने जो व्यू दिख रहा है पीछे भी आप मैंने देख सकते, तो बहुत ही अच्छा है। और हम अभी जा रहे हैं वहाँ फ़ोटो खिंचाने के लिए, तो अपने दोस्तों चले गए, अपने भी जाएंगे जल्दी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो नवी वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का व्लॉग है कश्मीर का, मतलब गुजरात का कश्मीर, वो तो आपने थंबनेल में देखा ही होगा। तो चले निकलते हैं, अभी 6:30 बजे सुबह के, और निकलते हैं और सभी लोगों को पिकअप करने जाना है। पहले ये दोस्त के साथ आए, जल चलने जा रहे हैं, तो आगे आपको दिखाता हूँ। अच्छा व्लॉग आएगा, कंटिन्यू रहना। बोलो फॉरेस्ट पार्किंग करी हो? चल तू जवान हो, मेरे जीत कर ऑटो। ओके, तो कैसे हो दोस्तों, पहुंच गए अभी बोलो फॉरेस्ट, और यहाँ पर अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। आपको जो मैं देखूंगा सब कुछ आपको दिखाऊंगा, और चलते हैं। गाड़ी अभी पार्किंग में रखने को बोला है, और यहाँ पे से 1 किलोमीटर तक आप चल के जा सकते हो या ऑटो भी कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी ऑटो भी खड़ी है। और चलते हैं, मिलते सीधा अंदर। यहाँ से ऑटो भी कर सकते हो आप। नेचर को स्वच्छ रखना ज़रूरी है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और आ चुके हैं अमेजिंग लोकेशन पर दोस्तों, देख सकते हो। और जैसे कि आपने आगे ही देखा कि नेचर को कैसे स्वच्छ रखना चाहिए, सफाई हमेशा रखनी चाहिए हमको। हमने
वहाँ से ऑटो नहीं ली बल्कि हम पैदल ही आए, उसकी वजह से ये अमेजिंग व्यू हमें दिख रहा है और पीछे भी आप मेरे देख सकते हैं। फिलहाल एकदम नज़दीक है पहाड़ों के। कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो पूरा वीडियो देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे मैं आपको अमेजिंग लोकेशन दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर GSRTC गुजरात की बस भी यहाँ पर आ रही है और इस बढ़िया सा लोकेशन को तब तक आप थोड़े से व्यूज़ का आनंद लीजिए दोस्तों। और थोड़ा सा अच्छा सा टाइम लैप्स। तो दोस्तों छोटा सा टाइम लैप्स देखने के बाद ये देखिए यहाँ पर कहाँ पर आ गए हम। और इसका ही आपने टाइम लैप्स देखा था और पता नहीं कैसे आया होगा, तो बहुत ही अच्छा है। और हम अभी जा रहे हैं वहाँ पर फ़ोटो खिंचाने के लिए, तो अपने दोस्तों चले गए, अपने भी जाएंगे अब जल्दी से। तो दोस्तों आ चुके हैं हम डैम पे, यहाँ पर है थोड़ी सी स्टेज चलने के बाद चल चल के थक गए हैं।
दोस्तों चल तो पानी की बोतल अभी ली है, चाय पीनी है, लेकिन ये लोग पीने नहीं देते। सब लोग ऐसे बंदे हैं, साथ में आए ना तो सब कोई चाय ही नहीं पीते है, सिर्फ मैं ही चाय पीता हूँ तो नहीं पी। और अभी 4 किलोमीटर तो चल चुके हैं, लेकिन वापिस अभी चल के ही जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, रुको रुको रुको, 6 किलोमीटर चले हैं, मैं लाइव दिखाता हूँ आपको। ये रहा देखो। हाँ तो पक्का पता नहीं था ना भाई मुझे इसके लिए 4 किलोमीटर बोला, तो 6 तो चल चुके अभी। वैसे आप बाहर से ऑटो रिक्शा कर सकते हो, ये जो पीछे देख रहे हैं वो सिर्फ 20 रुपए लेती है, लेकिन जो चल के आने में मजा है वैसा मजा जो लगता है वहाँ पे, ऑटो हमारे लिए रुक गई है तो हम भागते हैं। चलो दोस्तों, तो अभी आए तो चल के 6 किलोमीटर, लेकिन अभी जाने में बहुत दिक्कत होगी तो ऑटो में बैठ के जाएंगे। बोतल ले तू, मम्मी दोस्तों कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग? यहाँ पर हमारी जर्नी पूरी होती है। आई होप अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो, जो अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आगे आगे नया वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ बढ़िया सा कर सके, जो अगर आगे कुछ प्लान बनता है हमारे, अभी तो 12 ही बजे हैं, तो आगे कुछ प्लान बनता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अगर नहीं जा पाए किसी जगह पर तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।